मंदसौर गांधी चौराहा पर पांच सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा चाय बनाकर किया प्रदर्शन। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा 17 दिनों से गांधी चौराहे पर पांच सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। उसी के तहत आज गांधी चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संगठन की अध्यक्ष चैना गुर्जर द्वारा 2:20 पर बुधवार को बताया कि हमसे ज्यादा चाय बेचने वाला पैसे कमा लेता है, इसीलिए हम लोगों ने चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंजू बाला चौहान द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पांच सूत्री मांगों को लेकर लगभग 17 दिनों से हम लोगों द्वारा गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार हम लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। पहली मांग कार्यकर्ताओं की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,000 रुपए और सहायिकाओं को 18,000 रुपए दिए जाए, प्रति माह हम लोगों को नियमित किया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय 1,00,000 रुपए और सहायिकाओं को 75,000 रुपए रिटायरमेंट के समय दिए जाए। इस तरह की बातों को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में कही गई थी यह बात और उसका पालन भी नहीं हुआ है। इसी पांच सूत्री मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन लगभग 27 जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हम लोगों द्वारा भी शांतिपूर्वक यह आंदोलन किया जा रहा है, मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गांधी चौराहे पर गुजरने वाले लोगों को चाय बेचकर उनसे पैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा लिए गए हैं। सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था और मंगलवार को गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर चारों तरफ रोड बंद कर भी प्रदर्शन किया गया था। इस तरह अलग अलग दिन रोजाना अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज हम रोड पे चाय बना के चाय बेचने का प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो मतलब मध्य प्रदेश में बैठे वो अधिकारी लोग हमारी नहीं सुन रहे हैं और जो हमारे मामा और भाई कहलाते हैं वो आज हम बहनों की और भांजियों की नहीं सुन रहा है, उसी के विरोध में हम आज चाय बना कर चाय बेचने का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कि आज आम आदमी चाय बेचता है वो भी हमसे ज़्यादा पैसे कमा लेता है दिन भर में, इतनी भी मजदूरी हम कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को नहीं मिल रही है, इसी विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे और हमारी नहीं सुनी मामा ने तो हम इसके विरोध में उग्र आंदोलन करेंगे। अभी आप लोगों की हमको नियमित किया जाए, पहली मांग तो हमारी है कि नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ताओं को मेन कार्यकर्ता में बदला जाए। तीसरी मांग है कि 2018 में जो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी थी कि कार्यकर्ताओं को 1,00,000 रुपए और सहायिकाओं को 75,000 रुपए रिटायरमेंट के समय दिए जाएंगे, वो भी अभी तक लागू नहीं की और किसी बहन को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। और 2018 में एक घोषणा भी करी थी कि कार्यकर्ताओं को 1,500 रुपए और सहायिकाओं को 750 रुपए दिए जाएंगे, वो भी एरिया सहित दिए जाए। अगर नहीं दिए गए तो हमारी कार्यकर्ताओं बहनों में बहुत आक्रोश है और वो अगर यहाँ पे जिले में बैठ कर नहीं सुन रहे तो मध्य प्रदेश में किस राजधानी में बैठ के उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम आपका? चेना गुजर। भारत, हमारी पांच सूत्री मांगे हैं जिनको लेके हम धरने पर बैठे हुए हैं। पहली मांग हमारी नियमितीकरण की है, दूसरी मांग है कार्यकर्ता का 24,000 और सहायिका का 18,000 रुपये बांधे दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि 1,500 रुपये कार्यकर्ताओं के और 750 रुपये सहायिका को दिए जाएंगे बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जो आज दिनांक तक भी लागू नहीं की गई तो उसको एरियर सहित लागू किया जाए, उसको यथावत किया जाए। चौथी मांग हमारी है कि मिनी कार्यकर्ता मेन कार्यकर्ता के बराबर काम करती है तो उसे मेन कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए और उसके लिए सहायिका की नियुक्ति की जाए। और पांचवी मांग हमारी है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि कार्यकर्ता को रिटायरमेंट के समय 1,00,000 रुपये और सहायिका को 75,000 दिए जाएंगे, जो कि आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। ये पांच सूत्री हमारी मांगे हैं और हम आज यहाँ पर चाय बना के यही संदेश देना चाहते हैं कि हमसे काम सभी विभागों का लिया जाता है लेकिन एक चाय बनाने वाले के जितना पैसा भी हमको नहीं मिलता है। तो हम आज यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा जो तनख्वाह है बढ़ाई जाए, 24,000 किए जाए और कार्यकर्ताओं को 18,000 किए जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन। आज कितने दिन हो गए आपको? आज हमको 17 दिन हो गए।